तो देखिए ये वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसी भी वाईफाई या लैन का पासवर्ड जो है कैसे देखेंगे सीएमडी से, यानी कि वाई कमांड। ठीक है, आपको जो है आसान सा तरीका आपको बता दिया था, अगर नहीं देखें तो यही पिछले वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें जो है कैसे देखते हैं इसे दो तरीके बताया था, रन कमांड से और यहाँ से ओपन शेयरिंग से। ठीक है, ओपन नेटवर्क शेयरिंग से, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बोले कि कोई कि हाँ हमको सीएमडी चाहिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है बहुत बार लोग क्या करते हैं पासवर्ड लगा देते हैं, यहाँ पे लॉक लगा देते हैं, तो फिर आप इसको ओपन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, आसानी से जो है उस मतलब पासवर्ड को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं सीएमडी से, यानी कि रन कमांड से। देखिए यहाँ पे आपको एक सर्च प्रोग्राम दिख रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हैं या इस पर क्लिक कीजिएगा विंडो पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सर्च प्रोग्राम आ जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना है क्या चीज़, सी एम डी। ठीक है, ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है, यहाँ से आपको जो है क्लिक करना है क्या चीज़, राइट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक नहीं करना है। जैसे ही राइट क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऑप्शन आएगा, जैसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ओपन फाइल लोकेशन, पिन टू स्टार्ट, उसके बाद में पिन टू टास्क बार। तो हमको क्या करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से इसको ओपन करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यस करना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन होगा। ठीक है, अगर सिंपल से हम ओपन करते हैं तो उसमें ये कमांड काम नहीं करेगा, इसलिए आपको जो है जाइए सी एम डी पे। ठीक है, और यहाँ से लिखना है मतलब एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन करना है। यहाँ पे आपको हम कुछ कमांड बता रहे हैं, ठीक है, इस कमांड को आप नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ से इसको लिख सकते हैं, NETSH। ठीक है, ये लिखने के बाद में स्पेस दीजिए, और जैसे मान लीजिए कि हमको देखना है तो WLAN, यहाँ पे वाईफाई का ही दिखाएगा। ठीक है, और इथरनेट जो भी होगा उसका आपको दिखा देगा। इसके बाद में SHO यानी कि शो, और यहाँ से प्रोफाइल लिखिए, इससे जो है आपको क्या दिखाएगा, जो भी आपका कनेक्टेड है, मतलब जो भी कनेक्टेड है उसका यहाँ से नाम दिखाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा अभी जो है वाईफाई कनेक्टेड है धर्मेंद्र राज के नाम से। ठीक है, तो ये पिछले वीडियो में हम दिखाया था आपको, नाम लिखा हुआ था, उसके बाद में पासवर्ड भी लिखा हुआ था, तो यहाँ पे ये नाम शो कर दिया। अब हमको क्या करना है, अभी तो केवल ये शो किया कि आपसे जो है जो पर्सन कनेक्टेड है उस लैन या वाईफाई का क्या नाम है, तो यहाँ पे नाम सिंपल शो कर दिया। अब क्या करना है हमको, पासवर्ड देखना है, तो पासवर्ड देखने के लिए क्या करेंगे, वही कमांड आपको चलाना होगा। ठीक है, यहाँ से जो है देखिए NETCH, उसके बाद में WLAN, उसके बाद में यहाँ से जो है आपको क्या करना है, WLAN EXPORT एक्सपोर्ट, उसके बाद में क्या करना है, स्पेस देना है, और यहाँ से लिखना है क्या चीज, प्रोफाइल। देखिए एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, जो भी प्रोफाइल होता है वो जो होता है कहीं सेव करने के लिए हम जो है यहाँ से खोलते हैं, उसके बाद में यहाँ से फोल्डर डालिए, फोल्डर डालने के बाद में इक्वल डाल दीजिए। अब आपको दिखाना कहाँ पे है, मान लीजिए इसको शो कहाँ करना है, तो सिंपली हम क्या करते हैं सी ड्राइव डाल देते हैं, जिस भी ड्राइव को डालिएगा वहाँ पे ले आके आपको पासवर्ड सेव कर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से सी ड्राइव डबल कोटेशन, उसके बाद में ये वाला चिन्ह देता हूँ, और यहाँ से लिखता हूँ स्पेस दे के की, और इक्वल टू, उसके बाद में आपको डाल देना है क्या चीज़, क्लियर। यहाँ से क्लियर लिखने के बाद में क्या करना है, इंटर कर देना है। जैसे ही इतना हम लिखेंगे तो ये क्या होगा हमारा, देखिए यहाँ पे लिखा है इंटरफेस प्रोफाइल धर्मेंद्र राज इज सेव्ड इज फाइल, यानी कि जहाँ हम सेव करना चाहते थे वहाँ पे क्या हो गया, सेव यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया। तो हम सेव किए हैं कहाँ पे, सी ड्राइव में, देखिए यहाँ पे हमारा सी ड्राइव आ गया, यहाँ पे लिखा है वाईफाई धर्मेंद्र। ठीक है, बी ला रहता तो भाई ला रहता, यहाँ से देखिए हमारा पासपोर्ट, यहाँ पे सब जो है बायोडाटा आ गया। अब यहाँ पे आपको जो है की मटेरियल में देखिए यहाँ पे दिखा दिया पासपोर्ट, ये हमारा पासपोर्ट जो है ये यहाँ पे शो कर दिया, इसका नाम जो है मतलब तो जो भी इसका इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दे दिया, नेम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और पासपोर्ट आपको यहाँ पे की के रूप में, हमने की के रूप में लिया था तो इसलिए यहाँ पे शो कर दिया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो है मतलब सी एम डी से, यानी कि रन कमांड से, कैसे किसी भी लैन या वाईफाई का पासवर्ड जान सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।